जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन व खास खबरें। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मगर बीमार बिजली यादव को मदद करने की हम सबों की जरूरत है। बताया जाता है बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के कर्माटांड गांव निवासी बीमार बिजली यादव विगत एक वर्षों से गंभीर बीमारी से परेशान है। दवाई तो दूर की बात है, घर चलाने में आफत आन पड़ी है। बीमार बिजली यादव के परिवार ने लगाई मदद की गुहार है। जरूरत है हम सबों को मदद करने की और मानवता का परिचय देने की। बीएनबी भी आप सबों से सहयोग की अपेक्षा रखती है। अधिक जानकारी के लिए देखें बीएनबी हेड जगन्नाथ प्रसाद की ग्राउंड रिपोर्ट। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। वेलकम टू द बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज। आई एम नेहा मोदी, यू वाचिंग लेटेस्ट न्यूज। किसी ने सच ही कहा है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मगर बीमार बिजली यादव को आप सबकी मदद की जरूरत है। जिंदगी और मौत से जूझ के टूट के बिखर रहा पूरा परिवार। बताया जाता बीमार बिजली यादव बेंगाबाद पंचायत के कर्माटांड गांव का रहने वाला है, जो विगत एक वर्षों से गंभीर बीमारी से परेशान है। दवाई तो दूर की बात है, घर का खर्च चलाना भारी पड़ गया। पूरे परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। बीएनबी आप सबसे सहयोग की अपेक्षा रखती है, जरूर करें मदद। और देखें बीएनबी हेड जगन्नाथ प्रसाद की ग्राउंड रिपोर्ट और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। बीएनबी हेड मिस्टर जगन्नाथ प्रसाद, प्लीज ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और बताइए आखिर बीमार बिजली यादव का कैसा होगा समुचित इलाज, कौन करेगा मदद। जी नमस्कार, तो आपको आज लेके चल रहे हैं बेंगाबाद पंचायत के कर्माटांड गांव, जहां पर एक जिंदगी और मौत से जूझ रहा युवक जिसे जरूरत है मदद की, उसके गांव हम लोग पहुंच रहे हैं। बीएनबी की टीम पहुंच रही है और आप देख सकते हैं यह गांव हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं, पहले जा चुके हैं शायद प्रेम जी ना, दाहिने तरफ थोड़ा सा ले लेंगे। हम लोग उसके गाँव घुस रहे हैं और बीएनबी की टीम पहुंच रही है और जेडी फाउंडेशन की भी टीम पहुंच रही है, क्योंकि जेडी फाउंडेशन एक अलग बना हुआ है, संस्था बना हुआ है, उसके द्वारा भी सहयोग के लिए, मदद के लिए और ऐसे गरीबों को चिन्हित कर आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेवारी मुझे मिली है, उसका दायित्व मैं निभा रहा हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं कर्माटांड गांव। जानकारी दे दें कि यहाँ इस गांव के एक हैं बिजली महतो, जो जुआ साथी थे, लेकिन इत्तेफाक इसकी बदकिस्मती ने इसे ज़िंदगी और मौत से जूझने पर मजबूर कर दिया है। उसी की मदद के लिए बीएनबी पहुंची हुई है। आइए दिखाते हैं आप लोगों को और मिलवाते हैं उस परिवार से कि दवाई समाप्त हो गई है और इलाज के बगैर परेशान है, दवाई नहीं है। मिलाते हैं आप लोग को, बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें, लेकिन आज बीएनबी खबर नहीं दिखा रही है, दिल को झकझोर देने वाली कहानी सुना रही है। जी मैं बात कर रहा हूँ बेंगाबाद पंचायत के कर्माटांड गाँव से, बिजली महतों के घर से। आप देख सकते हैं उसी के घर पहुंचे हुए यहाँ पर, और आलम यह है कि बताया जा रहा है कि जिंदगी और मौत से जूझ रहा है बिजली महतो। और ये जुआ साथी बहुत ही अच्छे और मृदुभाषी और अपने आप में एक अच्छे इंसानियत का परिचय देने वाला युवक आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आज हम उसी के घर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस स्थिति में है। आलम यह है कि दवाई नहीं अगर मिला तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा। कहते हैं तुझे मेरी ज़रूरत है, तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल बिजली भाई को दवाई की और मदद की ज़रूरत है और आप सबकी ज़रूरत है, आप सबके मदद की ज़रूरत है। आज इसी के घर यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो आप लोगों को बीएनबी रूबरू कराएगी और जानकारी लेंगे कि आखिर क्या उनके बूढ़े पिता को देख सकते हैं,
जो बिजली महतो का बूढ़ा पिता है ये यहाँ पर है, इनसे जानेंगे। इनकी माँ है, इनकी बिटिया है, उनका पत्नी है और बिजली यादव जो यहाँ पर लेटा हुआ है इनके, अभी इनसे भी बात कराएंगे। लेकिन उनके पिताजी के पास चलते हैं सबसे पहले और पूछते हैं कैसे हुआ यह घटना और कैसे यह हो गया। बीएनबी पहले भी आप लोगों को इसके बारे में दिखा चुकी है और आप लोगों के द्वारा सहयोग भी आ चुका था, लेकिन अब आलम और स्थिति फिर बद से बदतर हो चुकी है, इसलिए ज़रूरत है आप लोगों की और आप लोगों की मदद की। आइए उनसे पिताजी से बात करते हैं, पूछते हैं कब से बेटा इनका बीमार है, थोड़ा जानकारी पुनः आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका बाबा? हमारा तुलो माता नाम है। यहाँ कर्मटन घर हुआ? हाँ, कर्मटन। कितना बेटा है आपका? दुख बेटा है। ये जो बिजली जो महतो जो सोया है ज्यादा, भी बड़ा है छोटा है? छोटा है। अच्छा, बड़ा बेटा कहाँ आपका? घर जमैया रहा, मोतीलदा। यहाँ नहीं रहता है? मोतीलदा में रहता है। हाँ। एक बड़ा बेटा है वो घर जमाई मोतीलदा में रहता है। यहाँ से कोई सारोकार यहाँ से कोई मतलब ना रखे इनकी? कभी कभी आवे हो पूजा पाठ में? हाँ। तो बिजली बेटा जो छोटे बेटा हो को कहिए से बीमार हो? ये है एकदम 13वां महीना हो गए। 13 महीना मतलब 1 साल हो गलो? 1 साल से एक साल एक महीना? हाँ, 1 साल से ऊपर। देखा इलाज उलाज कैसे की हो गई? ये है तो हरे दसरे से तिया हो करे। अच्छा अच्छा, अभी की जरूरत है, अभी मदद की जरूरत है? अपना मदद तो जरूर चाहिए। निश्चित रूप से क्या बोले, अपनी डबडबाती आंखों को आप देख सकते हैं। आखिर यह बुजुर्ग करे तो करे क्या जवान बेटे के लिए, जब बीमार कोई सामने पड़ा रोज सुबह शाम दिखे तो। स्थिति बद से बदतर है, उनकी माँ के पास चलते हैं। कौन सी नाम लो तो चाची तोर? पर्वतिया देवी। बेटा बीमार हो, बड़ बेटा न बोले मदद कर तो? बड़ बेटा के अपने ने चले थे, हमर कहां से देखतो है? कौन सी काम करे है? कुछ नहीं, घर में सब घर मेहनत मजदूरी करता है। बड़ा बेटा की भी स्थिति ठीक नहीं है तो दोष देना गलत होगा। उनकी पत्नी के पास चलते हैं, पूछते हैं और बिजली यादव के पास भी चलेंगे। कब से बीमार है आपके पति? साल भर से ऊपर 13 महीना। इलाज उलाज कहाँ से करे अभी? इसने चले ककड़ो करो मांग छान के चलो, ये मेरा बेटा है छोटे भी। कौन सी नाम हुआ आपका? हमारा निर्मला देवी। निर्मला देवी मांग छान करके चलाती है, किसी तरह काफी स्थिति दयनीय है। भाई वो बना हुआ है, इनकी दोनों बेटिया आप ही का पापा हैं? हाँ। है कौन क्लास में पढ़ती हैं आप? सेवन में। कौन से स्कूल में? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। वहाँ पर आपका हुआ है ना? कस्तूरबा में एक बिटिया का हो गया है, निश्चित रूप से अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप गुड़िया कहाँ पढ़ती है? सिक्स में। कौन क्लास कौन स्कूल में? प्राथमिक विद्यालय। यही हाडोडी में ना? क्या नाम बताया? कौशल्या कुमारी। और तुम्हारा? यशोदा कुमारी। कौशल्या और यशोदा दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं और माँ जो है निर्मला देवी है। तुलो महतो इनके पिता का नाम है, इनकी माँ का नाम हम भूल गए। कोई बात नहीं, चलिए बिजली महतो से मिलाते हैं और उन्हीं से उठाते हैं और उनको जगाते हैं और निश्चित रूप से पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है। ज़रूरत है आप लोगों की फिलहाल मदद की जिस हिसाब से। हाँ बिजली भाई, ऐसे सोने रहने से काम कैसे चलेगा, ये क्या आपको हो गया है? तो हमारा दवाई निकल गया है। रोना नहीं है आपको, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना। अभी जगन्नाथ जिंदा है और बीएनबी के जो लोग जो दर्शक लोग देख रहे हैं वो भी अभी जिंदा, घबराना नहीं। थोड़ा उठिए, धीरे धीरे उठ के बैठिए, उठिए। इनका सिर पर है बीमारी, सिर में माथे में बीमारी इनका है और काफ़ी परेशान है और निश्चित रूप से ज़रूरत है आप लोगों की मदद की। तो अभी दवाई आपका ख़त्म हो गया है? हैं, दवाई ख़त्म हो गया है? हाँ। अच्छा, कौन कौन दवाई? यही सब जो साइड करके रखे हैं यही सब दवाई ख़त्म हुआ है? तो आप देख सकते हैं ये दवाई जो आप देख रहे हैं करीब से, ये दवाइयाँ चाहिए, ये दवाइयों की पर्चियाँ हैं और इनको मदद की ज़रूरत है। ये पर्ची है, ये दवाई, ये यही वाला दवाई चाहिए ना? हैं, यही वाला, ये दवाई है जो आप देख पा रहे हैं और यही दवाई चाहिए इनको और मदद की भी ज़रूरत है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मदद करने की ज़रूरत है, सहयोग करने की ज़रूरत है हम सबों को। क्या कहना चाहते हैं जो आपको देख रहा है, लोग देख रहे हैं आपको, आपकी बात को सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए बिजली भाई? कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने साथियों को, दोस्तों को, किसी को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे भैया, यही दवा तवा तब कुछ चलबे नहीं करता है, मतलब अभी आप नहीं आते तो हम किसी तरह से भी आपके घर परिवार को भेजते। क्योंकि जोरनार ना माने इनकी जोरनार साबुन जोरनार दलके साबुन दलके ना जोरनार दिया है, दिया है, रिश्तेदार दिया है। हाँ, फिलहाल अभी आपको दवाई की जरूरत ही वाला। हाँ,
जोर नार जितना भी है उतना सब कोई दिया है, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिया है, खाली एक ठो हमारा भाई भी नहीं दिया है, वही नहीं। भाई भी तो मजदूरी करता है, बिजली भाई कहाँ से दे पाएगा, वो भी तो गरीब बोल रहा है। सब कुछ गरीब है तो जरूर है, मान लीजिए हम आपको नहीं दे सकेंगे पैसा, लेकिन मिल तो सकते हैं जरूर। मिला भी नहीं बड़ा भाई आपका? मिलता है, अगर आया था ये, उसका छोटका लड़कवा जो था वो जेल चल गया, तभी आया था हमसे मिलने के लिए और रोने के लिए, वो उनको ऐसा स्थिति हो गया। तो हम बताएं कि हमारे पास जब स्थिति था उस समय हमसे आप बात तक भी नहीं की हमसे, और आज जब स्थिति आया तब बोलता है कि ऐसा स्थिति हमसे हो गया। मतलब जो मदद मिलना था सो मिल गया और अब मदद कहीं से नजर नहीं आ रहा है। हाँ, है ना, नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं लोगों को, क्या कहना चाहते हैं जो आपको देख रहा है, जो आपकी बात को सुन रहा है? यही कहना चाहते हैं कि अगर 10 आदमी का अगर भला मिले तो हम चल सकते हैं। 10 लोगों का भला मिले, निश्चित रूप से आप सबकी अगर मदद होती है तो जो जंग ये लड़ रहा है बिजली महतों, वो जंग को जीत सकता है। ज़रूरत है आप सबों की मदद की और निश्चित रूप से मदद करनी चाहिए। अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर आप लोगों को दे दिया जा रहा है, उस पर भी आप लोग भेज सकते हैं और इंसानियत और मानवता का परिचय दे सकते हैं। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम, थैंक यू। जी नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।